गुड इवनिंग बच्चों, आज पेपर देखा कि 17-18 तारीख को पेपर हो चुका है यूपी पुलिस का। लेकिन बच्चों, कल दोपहर के बाद की बात कर लें तो एक वायरल हो रही थी जो आंसर की, जो कहा जाता है कि आंसर की सुबह मॉर्निंग की है, पर ये आंसर की सुबह मॉर्निंग की नहीं थी। पर शाम को पेपर हूबहू वैसे ही आ गया, जो आंसर की वायरल हो रही थी सेम वही आंसर की शाम वाले मीटिंग मैच कर गया। काफ़ी साथी हैं जो हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने थोड़ा सा विरोध भी किया, तो सरकार ने ट्वीट करके फिर दिया आज उसका जवाब कि ये जो यूट्यूब, ये टेलीग्राम में जो आंसर की वायरल हो रही है ये एडिट है, और इसको बनाकर अफवाह फैलाई जा रही है, इसके साक्ष्य आए। फिर बच्चों, आज एक सुबह आंसर की वायरल होने लगी तो लोगों ने सोचा कि दोपहर 10 बजे से जो 12 बजे पेपर है इसकी आंसर की होगी, और वो आंसर मैच नहीं हुए। जब हमारा पेपर छूटा, जब देखा गया आंसर नहीं मैच थी, तो जैसे कल हुआ था कि सुबह जो आंसर की वायरल हो रही है शाम को पेपर हो रहा है, और ऐसे ही आज भी हुआ है जो सुबह आंसर की जो वायरल हो रही है उसका पेपर शाम को हो रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि एक दो तो ऐसी वायरल हो रहे जो पेपर हाथ से लिखा हुआ है। हाथ से लिखने में कितना वक्त लगा, 150 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर 4 विकल्प लिखने हैं। आप यानी देख सकते हैं कि किस हद तक, मतलब ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर ये सारे करप्ट किए गए हैं पूरे। तो हम सभी प्यारे बच्चों, सरकार से मेरा मतलब कोई, आप ये कुछ लोग ऐसे तर्क लगाएंगे राजनीतिक तर्क से, मेरा कोई संबंध नहीं है। और एक और बताएं, अध्यापक की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना किसी जात से कोई संबंध होता है। लेकिन एक तरह से ये स्थितियाँ होती हैं कि ऐसी कि मतलब कि जो बच्चे कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस का एग्ज़ाम आएगा, एक पुलिस का पेपर आएगा, तो हम भर्ती हो जाएंगे, और भर्ती आई भी तो आई कि 1.5 महीने का समय दिया, उसी में सारी चीज़ें इतना भौज पौज कर दी, और आखिरी में पेपर आउट का ये चलने लगा। तो सरकार से मेरा मतलब यही निवेदन है, और जितने भी हमसे, हम तो बहुत छोटे भी नए आए हैं यूट्यूब में, ना के बराबर हैं, पूरे बात कर लें कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में चावल का एक तिनका के बराबर मेरा मतलब सही होगा, वो भी ना के बराबर होगा उसके लिए। लेकिन सभी हम बच्चों से और जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनसे, जो जिनसे रोज़गार चलता है हम लोगों से, बच्चों की स्थितियां से, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम रोज़गार ही चल रहा है, मतलब एक तरह से मेरा रोज़गार, हम ही जुड़े हैं बच्चों से। तो हम बड़े बड़े यूट्यूबर से हाथ जोड़ के बोलेंगे यहाँ पर कि सभी लोग साथ में आएँ, बच्चों का साथ दें, और बच्चे भी आगे चलें। जब बच्चे आगे रहेंगे तभी हम लोग उसका साथ दे सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखा है, कब यही बात बहुत कड़क, मतलब गुस्से में ऐसे भी आता है कि जो लोग आयोग से अगर छींक आ जाती थी, वीडियो बन जाता था 20 मिनट का, और लोग देख रहे हैं उसको कि आयोग ने आज ये जारी किया है, इसके लिए ये जारी किया है, और कई लोग इस पर आज तक भी बात नहीं की है। कल से मुद्दा उठा हुआ है, धुआं वही उठता है या कुछ जला होगा, तो कल से ये बात उठी हुई है, लेकिन आज तक एक अभी तक कोई वीडियो नहीं वायरल हुआ, ना कोई वीडियो आया है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, तो बच्चों हम आपके साथ हैं, जहाँ तक ये स्थिति होगी आप जो भी कहेंगे तो वो करने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चों। लेकिन बच्चों आपको ये इसमें कदम उठाने पड़ेंगे। 60,000 वैकेंसी, आप ये ना सोच के चलें कि मेरे 220 नंबर आ गए हैं, मेरा इस सेफ स्कोर है, ना के बराबर है जैसे से SSC GD में हुआ था। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी से मेरिट चली जाएगी। तो हम सभी बच्चों से ये कहना चाहेंगे, थोड़ा सचेत रहें, और थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि कोई अगर बात कर ली जाए कि ये कोई राजनीति वाली बात नहीं है, और ना कोई ये अनैतिक बात है, अगर करप्शन हुआ है तो उसके सरकार पूरे उसको निरस्त कर देगी, और अगर बात कर ली जाए, अगर नहीं हुआ है, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फैलाया है, तो उसकी बात भी आप ये प्रूव की जाए ये बात ये। लेकिन आप कल्पना करिए कि जो सुबह जो कई लोगों ने यूट्यूब में पढ़ा भी दिया कि क्वेश्चन आएंगे तो शाम को आएंगे तो आउट होगा, और सेम क्वेश्चन हूबहू वही आ चुके हैं, जिन बच्चों को लगभग 5-6 घंटे पेपर पहले मिल जाएगा, आप कितना भी पढ़ लें उनको 150 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं बच्चों, तो वो तो पूरा कर ही लेंगे आप लोगों से ज़्यादा। तो सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे, बात ये नहीं कि कई बच्चे आस लगा के बैठे थे कैसे तैयारी करते थे, हम तो यहाँ देखते हैं मतलब कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कैसे मतलब हैं, दिन रात मेहनत कर रहे थे बच्चे, और उसके बाद अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो इस पर मतलब बहुत ज़्यादा शर्म की बात है,
क्योंकि ये शिक्षा विभाग ये इतना ज़्यादा गिर चुका है इस हद तक कि उसकी कोई कदर ही नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो कोई भी घर, राज्य, देश इससे बढ़ते हैं। जब सभी लोग मतलब एक एकजुट होकर इस पे कोई काम करेंगे, और ये काम लीगल है, कोई इलीगल नहीं है, अगर ये मतलब सरकार इस पे पूरी बात मानेगी, क्योंकि सरकार भी एक तरह से राजा होता है, और राजा प्रजा की अगर बात कर लें, अनदेखी अगर करेगी तो कहीं ना कहीं उसको स्थितियाँ विपरीत तो भी हो सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग कई YouTube में हैं, ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कई लोग, आप जुड़ें, उस पर आगे आएँ। और बच्चों, बाहर निकलें घर से, ये वही समय है कि बाहर निकलिए घर से, मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब सोच रहे हैं कि हमारा क्या है, आगे होगा तो लोग होगा, लीक हो जाएगा, अगर लीक हुआ है तो रद्द करेगा तो हम पेपर दे लेंगे, बिल्कुल ये बेवकूफ़ी ना करें। बाहर आएँ, अपने अपने क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि उनको सत्यापन दें, प्रूफ करें पूरी बात को, तभी कुछ बात ये बनेगी, नहीं तो ऐसे ही आप बस देखेंगे दो चार दिन का शोर शराबा होगा और फिर बात ये ठंडी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे मेरिट इतनी हाई चली गई और इतने लोगों सेलेक्शन हो गया है। तो बच्चों हम यही कहना चाहेंगे, थोड़ा सा मतलब सीरियस होके मतलब इस बात को लें, क्योंकि आज काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे कम मतलब कुछ कमेंट कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर देखा हमने कई जगह यूट्यूब में देखा, कमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और ये एक दो दिन बाद ये मतलब ये कमेंट करने से बात भी नहीं बनेगी। आपको पूरा एक मंच, जितना भी हमने कहा शिक्षा जगत के जितने भी शिक्षक हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्हीं बच्चों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ये भी एक सत्य है। तो इनके लिए को आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सही जो बच्चे मेहनत करके अगर जाएंगे तो वो अगर सिलेक्शन हो लेता है तो खुशी की बात होती है, और कुछ बच्चे एनेटिक करके सिलेक्शन ले रहे हैं, मतलब की बात कर लें कि आंसर की पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये उसमें जाकर भी भ्रष्टता फैलाएंगे, और जो बीजेपी सरकार का एम है उसमें भी ये धांधली करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे बच्चों, एकजुट हों, एक जगह एकजुट हों, यहाँ पर किसी का मतलब ये ना देखें कि हम उनके साथ कुछ बैच जा रहे हैं उनसे मिलें, बिल्कुल बच्चों ये बिल्कुल शर्म की बात ना करें, एक कोई प्लेट जो एकजुट हों, किसी के साथ भी एकजुट हों और अपनी आवाज़ को उठाएं, आप उसी की आवाज़ उसी के साथ हैं जो आपके पक्ष में खड़ा हो इस दौर पर। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे यूट्यूबर जो खड़े हैं आपके उसमें, तो आप कल्पना कर सकते हैं, और कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको कल के बाद सामने नहीं आए, ये भी आप देख सकते हैं। तो हम बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप वो खड़े हों, घर से बाहर निकलें, और इसकी जानकारी आपको समय पर दी जाएगी कब क्या करना है, और इस पे सारी चीज़ें करें, करने से ही आगे सरकार आपकी बात मानेगी, क्योंकि सरकार को भी निष्पक्ष रूप से नहीं पता होता है, जो अधिकारियों ने बता दिया सरकार को बस उतना ही पता होता है। ठीक है, तो करप्शन कहाँ से हो रहा है ये बात आप जब प्रूफ करेंगे तब सरकार बात मानेगी बच्चों। तो बच्चों आज मतलब इसीलिए हमने बना दिया, दो दिन से तभी हमने कुछ नहीं बनाया वीडियो, कि बच्चों अजनाम से पेपर देंगे बैठ के। अब हमने परसों देखा कि बच्चे 8 बजे तक वीडियो ऑनलाइन क्लास चल रही है, 8 बजे तक गेट के बाहर खड़ा है बच्चा, मैराथन देख रहा है पूरी रात, 8 बजे तक देख रहा है, आज वही लोग गायब हैं, वही लोग मतलब गायब हैं कि आपके एक भी सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा हो रहा है मतलब। तो बच्चों उन लोगों के साथ खड़े हों जो आपके साथ साथ देने के लिए खड़े हों। अब बाकी रही बात पेपर की, तो बच्चों पूरे यूट्यूब जगत का सबका पढ़ाया हुआ पेपर आया है, ये हर किताब से नॉर्मल क्वेश्चन है, तो कोई ये हम ये दावा नहीं करने आए कि हमारा पढ़ाया हुआ पूरा पेपर आप देख लें, पूरी किताबों से क्वेश्चन है, और कोई बेसिक क्वेश्चन सब पूछे गए थे बच्चों, रिजनी में कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े थे, तो बड़े इसलिए थे कि मतलब आप 110 115 नंबर करने वाले श्योर हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, तो आप ये दावा करने बिल्कुल नहीं आए, और काफ़ी लोगों ने किया भी नहीं कि सब पढ़ाए हुए, क्योंकि सबका पढ़ाए हुए आया है, लोग पढ़ा कहाँ से रहे, किताबों से ही तो पढ़ा रहे हैं, हम भी किताबों से ही पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, आप ये मतलब हवाबाजी में नहीं कि मतलब मोबाइल से
कुछ नहीं होने वाला मैम से, कहते कि मोबाइल में आप आकर एक भीड़ भरा के बस हाँ ना करके बस चले गए, हाँ मैं साथ में। करनी और कथनी में अंतर होता है बच्चों, इसलिए हम सभी बच्चों से कहेंगे कि आप देखिए कि 19 के बाद वैकेंसी आई है, आप समझ सकते हैं। आस लगाए बैठे थे कि कोरोना के बाद तुरंत भर्ती आएगी, 21-22 में आई नहीं आई, 23 में आई नहीं आई, और 24 में दिसंबर में मतलब वैकेंसी आ रही है लास्ट दिसंबर, और फरवरी में एग्जाम करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं टीचरों को क्या मतलब गुजरी होगी, जो बेचारे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कई टीचरों के पास नहीं होता, जैसे मेरे पास भी नहीं है कि हर सब्जेक्ट का टीचर हो, ऑनलाइन चल रही क्लासें हैं, ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा 1.5 महीने में कैसे पढ़ सकता है। तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन ये लगा कि बड़ी भर्ती है, बच्चे अच्छे पढ़ने वाले जो हैं हो भी जाएंगे, और सरकार ये बात मानेगी। जैसे आपने देखा कि 3 साल एज के लिए सरकार ने बात मानी थी, तो ऐसा नहीं कि सरकार बहुत निर्दयी है, मानना ही पड़ेगा उसको सरकार को, क्योंकि हम लोग उनको ही सरकार में लेके आते हैं, तो मेरी हम लोगों की बात तो सुनेंगे सुनेंगे बच्चों। तो ये बच्चों कहना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट होइए, और यहाँ तक जहाँ तक हो इसके लिए आप कर्तव्य रहिए लोगों से, और जो भी किया जाएगा तो आपको कल इसकी जानकारी दी जाएगी। बाकी हमें भी जानकारी पता हुई है कि पेपर, पहले हमें भी नहीं लगा कि पेपर आउट हुआ, हमने कहा ये कुछ लोग ऐसे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो पेपर में एक विघ्न डालने के लिए या कुछ बच्चों को के दिमाग को घुमाने के लिए ये चीज़ें डाल दिया होगा, लेकिन अब शाम तक पूरी बात क्लियर हो गई रात में कि पेपर वाकई आउट हुआ है। तो हम बच्चों यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसमें एकजुट हों, तो इसकी जानकारी हम कल देंगे आप सभी बच्चों को कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को